शहर के अंबाझरी तालाब में एमआईडीसी फैक्ट्री का दूषित जल तालाब के पानी में मिल जाने से अंबाझरी तालाब के हजारों मछलियां मौत के मुंह में समा गई है। तालाब के किनारे मछलियां पिछले कुछ दिनों से सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन अफसोस कि मनपा प्रशासन द्वारा अंबाझरी तालाब की साफ सफाई अभी भी नहीं हुई है। दर्शकों, इस समय में बीसीएन की टीम अंबाझरी तालाब पे आई हुई है। हम आपको बता दें कि इस तालाब में जो मछलियां जो है हजारों की तादाद में उनकी मौतें हो चुकी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते उनकी मौत हो चुकी है? जी हाँ, यही हम बताने के लिए बीसीएन की टीम आई हुई है। अब हम आपको पूरा अंबाझरी तालाब का ये नज़ारा बताएंगे। इस समय में हम जो मरी हुई जो मछली जो जहाँ पे गिरी हुई है उस ओर हम आपको लेके चल रहे हैं, आइए हमारे साथ। नागपुर शहर की पहचान कई विशेषताओं से है, इनमें से एक है नागपुर का अंबाझरी तालाब। अंबाझरी तालाब में पिछले कई दिनों से एमआईडीसी के फैक्ट्री में से निकलने वाले दूषित पानी, अंबाझरी तालाब के पानी धुल मिल जाने से अंबाझरी तालाब की हजारों नहीं बल्कि लाखों मछलियों की दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन अफसोस के इस ओर मनपा प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का कतई ध्यान नहीं है। तालाब में मर चुकी मछलियां सड़ जाने से काफी दुर्गंध तालाब परिसर से आ रही है। एक तरफ कोरोना से शहर के लोग मर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते हजारों लाखों मछलियां मौत की चपेट में आ चुकी है। पेशे हमारे संवाददाता संजय बिरी, इनकी अंबाझरी तालाब से ये ग्राउंड रिपोर्ट। अंबाझरी तालाब और मछलियों की मौत में आप देख सकते हैं कि ये जो ये हजारों की संख्या में यहाँ पे जो मछलियां मर चुकी है, ये जलपर्णी नाम की एक ऐसी वनस्पति है जिससे ये मर चुकी है। और एमआईडीसी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का जो गंदा मैला जो पानी है इस अंबाझरी तालाब में आके मिलने से भी इस मछली की मौत हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हजारों मछलियाँ जिधर भी नजर जाती पूरे अंबाझरी तालाब में दिखाई देती है। ये दृश्य अंबाझरी तालाब के है, ये देखिए मछली एक कितनी बड़ी बड़ी फिश यहाँ पे, ये दो। तो जलपर्णी जो वनस्पति है काफ़ी घातक होती है, जो पानी में ही बढ़ती है और पानी की ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है, और इसी से ये बड़ी बड़ी मछलियाँ बिना कोरोना के ही मर चुकी है। कोरोना से भी घातक है इनके लिए जलपर्णी वनस्पति। सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसे शहर के कई तालाबों में, राज्यों के कई तालाबों में जलपर्णी ये जो वनस्पति जो बड़ी हुई है इसको जल्द से जल्द इसकी साफ सफाई की जाए ताकि कोई भी मच्छी की यूं ही मौत ना हो, उन्हें भी इस पानी में रहने के लिए और खुली हवा में सांस लेने के लिए पूरी आज़ादी हो। सरकार इस ओर ध्यान दे, प्रशासन इस ओर ध्यान दे, मनपा प्रशासन खासतौर पर ध्यान दे, क्योंकि इस तालाब में गंदगी का भी आलम है और कई दिनों से इस अंबाझरी तालाब की साफ सफाई भी नहीं किए जाने से यहाँ पे कूड़ा कचरा भी दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। अब ये देखिए ये फिश ऐसे कितने जिधर भी नजर जाती है वहाँ पे इस तरह के मच्छी मरी हुई दिखाई देती है। एक मिनट, कैमरे इधर देख सकते, ये देखिए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो मछलियों को देखो किस तरह से ये दोनों मच्छी यहाँ पे, ऐसे हजारों हजारों मच्छियाँ यहाँ पे मौत की आगोश में आ चुकी है। तो इस ओर क्या प्रशासन देगा ध्यान, ये एक देखने वाली बात होगी। अगर अब तक के पिछले एक सप्ताह से यहाँ पे हजारों की तादाद में मच्छी की मौत हो चुकी है, मछलियां मर चुकी है, मगर इतनी दुर्गंध इतनी बदबू इस समय में यहाँ पे आ रही है हम आपको बता नहीं सकते। मगर दर्शकों के लिए ये पूरे दृश्य बताना, ये ग्राउंड रिपोर्ट बताना ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये ग्राउंड रिपोर्ट अंबाझरी तालाब से हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। जल्द से जल्द प्रशासन ध्यान दे और इस अंबाझरी तालाब में हजारों की तादाद में जो मछलियाँ मर चुकी है उनकी सफाई करे और इस तालाब को स्वच्छ सुंदर करे, यही समय की मांग है। अंबाझरी तालाब से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर। अंबाझरी तालाब में गत 5 दिनों से मछली मरने का जो कार्यक्रम चालू है
यहाँ पर जो तालाब के पश्चिम छोर पर MIDC का जो पानी है वो तालाब के अंदर आता है और एक केमिकल युक्त जो पानी है यहाँ पर पूरा खराब हो चुका है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है। उसी प्रकार इस तालाब में जलपर्णी नामक जो वनस्पति है जो ऑक्सीजन कम करती है, तो इसके कारण ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण बहुत सारे हजारों के तादाद में हर रोज यानी अभी लाखों हो गया है, इतनी गंदगी यहाँ पर बदबू आ चुकी है पूछो मत कि अंबाझरी जलतरण तालाब जो है हमारे जो संगठन के लोग है तो हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज BCN को जो न्यूज चैनल है उनके माध्यम से ये जो बात है वो मनपा तक पहुंचना चाहिए। मनपा के लोगों ने इस तालाब के इतना सुंदर जो तालाब है नागपुर में कि इसको साफ करना चाहिए, हमारी ये इच्छा है और आने वाले दिनों में ये तालाब की तरफ मनपा का ध्यान जाएगा, इसे मैं आशा करता हूँ। सर तकरीबन एक सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका है तालाब में गंदगी का आलम है और आप यहाँ हमेशा आते जाते रहते हो, कई लोगों को बदबू भी आ रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि मनपा प्रशासन ने जल्द से जल्द आकर यहाँ के कामकाज या स्वच्छता करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए? यहाँ के नगर सेवक है, अभी तक यहाँ पर कोई नगर सेवक आ नहीं रहा, सिर्फ पहली जो टीम है BCN की ये प्रॉब्लम उठाने के लिए यहाँ पे आई है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ पर BCN वालों ने जो अभी यहाँ का आगे कवर किया और उसके लिए जो प्रशासन को दिखा रहे उससे हमको भी अभी थोड़ी सी आशा आ गई कि प्रशासन कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कोई नगर सेवक यहाँ का कोई महापौर या किसी ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और ऊपर से यहाँ पर जो गंदगी हो रही है, आज अंबाझरी तालाब सबसे साफ सुथरा माना जाता है लेकिन आज उसकी गंदगी देख के हमको भी शर्म आती है कि वह यहाँ पर ये जो सफाई करना चाहिए प्रशासन ने तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे और इसके लिए हम BCN वालों का बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये प्रशासन के सामने ये नज़ारा दिखाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद।